कितना वक्त हुआ, कब से मैं अंधेरे में पड़ा हूं। मुझे इस कैद में रखे हुए कितना अरसा बीता। मुझे फिर से रोशनी देखनी है। Ladies and gentlemen, Japanese beyblade champion Tyson ke liye zordaar taaliyan. Ye kaun hai? Kya hua? क्यों कर रहा है? जापान में नंबर वन होने का बस यही नाम मिलता है का? ए बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो? जानते भी हो तुमने क्या किया है? हाँ? बच्चे छोड़ मुझे। मैं जान सकता हूँ कौन हो तुम? हमारा नाम दाइची है और हम तुम्हें चैलेंज करते हैं। जब हम जीतेंगे ना तो हम जापान के नंबर वन बेबलेटर बन जाएंगे। क्या?
अगर तुम्हें ये चाहिए तो उसके लिए मुझसे बे बैटल करना पड़ेगा। अगर तुम्हें इतनी जरूरत हो तो तुम रख लो। का? जिस पेड़ से टपके हो ना वहीं वापस चले जाओ। ए, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो टाइसन। मैं तुम्हारा मजाक थोड़ी उड़ा रहा हूँ। जिसने तुम्हें ये कपड़े पहनाए हैं ना उसने ये काम पहले ही कर दिया है। ओ, तो ई बात है। ये लो। संभालो। तुम इतने भी बुरे नहीं हो। जू के जानवरों के साथ प्रैक्टिस करते हो क्या? हाँ, टाइसन बहुत हो गया। क्या तुम सचमुच मुझसे टक्कर लोगे? रुको टाइसन, इसकी मत सुनो। ये कोई ऑफिशियल बे बैटल नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? लगता है ये टूर्नामेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। टाइसन, मुझे भूख लगी है, उसे जल्दी निपटा डालो। हमें इस बच्चे को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तुमने उसका पिछला लॉन्च देखा मैक्स? उसके पास एक्सपीरियंस नहीं लेकिन पावर है। तैयार हो? हाँ। शक्कर दे टक्कर। घुमा के रख दे। देखो बच्चों, इस डीमन रॉक आइलैंड पर असली सोने के कपड़े पहनने वाला और चमचमाते महल में रहने वाला एक महान राजा था। उसकी बहादुरी के बड़े चर्चे थे, पर अब हजारों साल बीत गए हैं और उसकी सारी कहानियाँ वक्त के साथ खो गई। अब सिर्फ राजा की वापसी का इंतजार करने वाले ये खंडहर बचे हैं। जानी दो उसे। हैं? जेनियल साहब को छोड़ दो। ओए, ये उछल कूद करने की जगह नहीं है। और उस सांप को फौरन छोड़ दो। हेनरी, वो कॉमिक्स रख दो। स्टीवन, अभी खाने के लिए देर है। ये खंडहर मानव के सैकड़ों सालों के ज्ञान और रहस्य का नतीजा है, और तुम्हें सिर्फ मस्ती सूझ रही है। सैकड़ों सालों का रहस्य? डरपोक, हमसे दूर क्यों भाग रहे हो? प्रोफेसर टेंगाई, यहाँ आइए, ये देखिए। ये बच्चे भी ना, अब क्या कर रहे हैं? जल्दी प्रोफेसर। क्या हुआ एशली? यहाँ पर कुछ लिखा है, देखिए ना। कुछ लिखा है? कोई प्राचीन भाषा है। कितनी प्राचीन? ना मुमकिन। क्या लिखा है? यहाँ नीली पवित्र आत्मा के नीचे काली परछाई रूहें सो रही हैं। उस वक्त के इंतजार में जब वो फिर से जाग कर इस जमीन ऐसा दिखाई देगा कि नीली पवित्र आत्मा काली परछाई रूहों से लड़ रही है, पर उनकी शक्ति के सामने उसकी हार होगी। यकीन नहीं होता, ये सब सच है। क्या सच? ये सब सच है। यहीं पर 10,000 साल पहले उस प्राचीन राजा ने परछाई रूहों को हमेशा के अंधेरे में कैद कर दिया था। तुम कोनो बहुत ग्रेट नहीं हो टाइसन। अच्छा, तुम्हारे पास पावर है, पर मैं किसी एरेगर को वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने नहीं दूंगा। गो ड्रैगन! हाँ, ईका हमला! टाइची में सचमुच टैलेंट है, दोनों एक जैसे हैं। हुआ? बस इतनी ही ताकत है तुम में नंबर वन? बैटल जितना आसान नहीं होता चिट्टू, तुम सिर्फ ताकत से नहीं जीत सकते। अच्छा, कहाँ गया, कहाँ गया? ऊपर देखो। वाह,
नहीं हारेंगे, हम नहीं हार सकते, हम जापान के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। सबक सिखाना ही होगा। तुम ठीक तो हो? बदला लेने का वक्त आ गया है, हमें अपनी कैद से आजादी मिलने वाली है। हमेशा के अंधेरे में जो दर्द और अकेलापन हमने सहा है, उसको मजा हम उन्हें भी चखा देंगे। कहना पड़ेगा बहुत अच्छी कोशिश थी दाई जी, वैसे एक चैंप से हारने में शर्म कैसी। ये लड़ाई अभी खत्म ना हुई है। और एक बार भिड़ोगे हमसे क्या? हम जरूर जीते अगर भूकंप नहीं आता तो। मजाक कर रहे हो क्या? दिमाग ठिकाने पे तो है, तुम चुपचाप अपने गांव वापस क्यों नहीं चले जाते? और एक बार खेलो। बस अब बहुत हुआ बच्चे, मेरा आज का कोटा खत्म। ना, तुम ऐसे ना जा सकते हो। स्टोन आइलैंड्स क्यूशु के दक्षिण पश्चिम में है। कुल मिला के 16 टापू हैं, जिनमें डिमेन रॉक आइलैंड भी शामिल है। ये समुद्र की हवा बड़ी सुहानी है, पटाखे सुकून मिल रहा है। पीछे एक अजीबोगरीब कहानी और बाहर इतिहास छिपा हुआ है। साफ नीले पानी की वजह से ये यहाँ फिशिंग के लिए मशहूर है और एक लोकप्रिय टूरिस्ट अट्रैक्शन बन रहा है। वो डीमन रॉक आइलैंड है। गाइड बुक के हिसाब से ये स्टोन आइलैंड्स का सबसे छोटा टापू है। वहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ प्राचीन खंडरों के अलावा और कुछ भी नहीं है। काश का यहाँ होता, उसे प्राचीन कहानियाँ बहुत पसंद है। क्या कर सकते हैं, उस बंदे को अकेले रहना ही अच्छा लगता है ना। किसने सोचा होगा कि मिस किंकेड इतनी खूबसूरत जगह में पली बड़ी है। हाँ? हाँ?
चीफ, मैं उस लड़के दाइची के बेब्लेड के बारे में सोच रहा था, वो जल क्यों गया? पता नहीं टाइसन, पर हाँ तुम सही कह रहे हो, ये अजीब बात थी ना टाइसन, ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे कंप्यूटर ऑन करके उसके बेब्लेड को जांचने का वक्त ही नहीं मिला। क्या वो कोई बिट पीस था? सबसे पहले मैंने भी यही सोचा था, पर नहीं, बिट बीस्ट को छोड़ दिया गया था तो वो नहीं हो सकता, हमें उससे पूछ लेना चाहिए था। भूल जाओ, मामला निपट गया, फिर कभी वो दाइची का बच्चा हमें दिखेगा भी नहीं। टाइसन, वो देखो मिस किनकेड है, मिस किनकेड। हाय बच्चों, कैसे हो? मेरे शहर में तुम्हारा स्वागत है। तो ये हैं तुम्हारे स्टूडेंट्स, तुम शहर के बच्चे तो कितने नक चढ़े होते हो, ये तुम्हारे बाल हैं या चिड़िया का? तो कैसे पता? तुम तो बड़ा स्टाइल झाड़ रहे हो मिस्टर चमको, क्या बड़े शहर में सारे वेटरों जैसे कपड़े पहनते हैं? वेटर? और तुम अपना चश्मा काफी ऊपर पहनती हो, तुम्हारी आंखें तुम्हारे सर के ऊपर हैं। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अब भी तुम्हें सुधार सकते हैं चश्मे बद्दूर। अरे बस भी करो, हवा में तुम्हारी छोटी हड्डियां बड़ी और ताकतवर हो जाएंगी। अरे बचाओ, सांस ले लो, हवा ढूंढेंगे और सुनहरा ड्रैगन हमें आजाद करेगा। आजाद? स्टोन आइलैंड्स को बहुत बड़ा धक्का लगा एक बड़े भूकंप से, वैज्ञानिक इसका केंद्र निर्धारित नहीं कर पाए हैं। भूकंप में हुए लैंडस्लाइड्स की वजह से कई घर बर्बाद हो गए। समाचार समाप्त। अब देखिए प्रोग्राम, कौन कहता है कि बिल्लियां नाच नहीं सकती। बड़ी अजीब बात है, कौन से भूकंप का केंद्र नहीं होता, सोचने वाली बात है। अरे संभाल कर, कभी भी वार्म अप किए बगैर तैरना नहीं चाहिए। आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। एक बार तय कर लोगे किस तरह? बताओ। ओके, इस तरह। हाँ? अब तो मुझे मिल ही गए। नहीं हिलारी, यहाँ नहीं है। अच्छा? नहीं हिलारी, नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, सीधे तो हिलारी नहीं। तुम फिर आ गए? दाइची नाम है हमारा, याद है? वाह दाइची, तुम हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। जहाँ टाइसन जाएगा वहाँ हम जाएंगे, जब तक हम नंबर वन बेब्लेडर ना बन जाएं। अब उठो और हमसे लड़ो। सपने में दाइची, देखो मैं छुट्टी पर हूँ, मेरा कोटा खत्म हुआ, ये मैं पहले कह चुका हूँ। वो सारा भूकंप का दोष था, हमारी लड़ाई अभी खत्म ना हुई है। भूकंप? कुछ भी, अगर हार को हार की तरह नहीं ले सकते तो तुम असली बेब्लेडर नहीं हो। रुको, तुम्हें अभी दिखाते हैं। जो करना करो, मैं सोने जा रहा हूँ। सुनो, जरा रुको। ये बड़ी प्यारी चीज है। कितना सुंदर नजारा है। ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं। सर वो देखो, चलो वो खाएंगे, चलो। मुझे ये चाहिए मम्मी। कितना? ठीक है बेटा, हम देख लेते हैं। अरे रुको रुको, मैं देता हूँ। तुम क्या खाओगे? ये वाले बढ़िया है ना। मुझे ये लेकर दो।
तुमने 5 बार खाना खाया है और तुम भूखे हो। मेरे पाँव पैर में अभी भी जगह बची है हिलेरी। भाई साहब ये कितने का? कोई बात नहीं टाइसन, मेरी तरफ से एक और ट्रीट। थैंक यू मिस किनकेड। आपके लार से ये बहुत बिगड़ रहा है मिस किनकेड। बहुत ज्यादा खा लिया। हाँ सुनो। ओ, तुम कहाँ से अटपके? क्या है कमकल? हमारा नाम दाईची है। तुम्हारा हाथ आगे करो, ये लो है? मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट, थोड़ा बचा है खा लेना। हाँ सुनो हा? बताओ कहाँ गया हूँ? टाइसन रुक जाओ। बाहर आओ टाइसन, लड़ो हमसे। कहाँ छुपे हो डर के? सामने आओ। अरे यार तुम दिखते उससे ज्यादा भारी हो। टाइसन वो मेरी फिश थी। अगर तुम्हें चाहिए थी तो खाए क्यों नहीं? मैंने रख दी थी क्योंकि मैं उसे आखिर में खाने वाली थी। तुम कितने लालची हो। बहुत बढ़िया खाना है। इसलिए तुम्हें पहले ही खाना था, अब मैं खा गया, क्या करें? तुम बहुत बदमाश हो, शरारती हो। कोई बताएगा कहाँ है? अच्छा हुआ आखिर तुम उठ गए, मैंने तुम्हारा नाश्ता गर्म करके रखा है दाईची। चलो उठो टाइसन, लड़ते हैं। हमें हंसे वाली क्या बात है? तुम तो बड़े क्यूट हो। कल रात टाइसन को देखकर तुम डर के मारे बेहोश हो गए थे ना? इसकी भूंद शक्ल पर मत जाओ, बच्चे में बहुत दम है। हम वापस आएंगे, नाश्ता तो करके जाओ। और क्या चाहिए? ओ ये क्या कर रहे हो? तुम्हें नाश्ते में बराबरी करने की जरूरत नहीं है। और दूसरे टापू पर कल रात को एक और भूकंप हुआ। हाँ सुना मैंने, मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी है। बोरिंग। दाईजी मुझे लगा तुम नाश्ता करने के बाद जाने वाले थे। तुम्हें परेशान करने के लिए आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए हमने यही रहने का फैसला किया है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, चुपचाप अपने घर जाओ। हाँ पर बे बैटल जीतने के बाद। मैंने कई बार कहा है तुम्हें, मुझे तुमसे नहीं लड़ना है। हाँ तुम उसका पीछा नहीं करोगे? नहीं, उसके ऊपर आने तक इंतजार करेंगे। ओ? मैं समझ गई, तुम्हें तैरना नहीं आता ना? हमको न मछली ना है, समझी? सही कहा, तुम समंदर के जोकर हो। हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। पहले पकड़ कर तो दिखाओ। एक बात तो बताओ दाईची, तुम टाइसन का इस तरह से पीछा क्यों कर रहे हो?
टायसन को हराने के लिए और जापान का सबसे बेस्ट बेब्लेडर बनने के लिए। हाँ, ये तुमने पहले कहा था, पर तुम्हें बेस्ट बेब्लेडर बनने की इतनी क्यों पड़ी है? ये देखो हमारा स्ट्रेटा ड्रैगून बेब्लेड। तुम्हारा स्ट्रेटा ड्रैगून? ये हमारे पापा ने हमारे लिए रखा था। रखा था मतलब क्या वो गुजर गए? हाँ, करीब 2 साल पहले हुआ कुछ यूँ था। ये काम तो लगभग पूरा हो गया है। चलो तो फिर खाना खाने चले। हाँ चलो। ये है स्ट्रेटा ड्रैगन। डरो मत दाइची, तुम्हें मजबूत रहना होगा, पर तुम अकेले नहीं रहो। नंबर 1 बेब्लेडर। हाँ पापा। इसलिए हमें टायसन को हरा के खुद को साबित करना है और इसलिए हमें जापान में बेस्ट होना है। हम अपने पापा को वचन दिए थे। ओ अच्छा। टायसन डराओ मत। तुम बता के नहीं आ सकते थे क्या? हाँ हाँ ठीक है ठीक है दाइची, चलो एक और बी बैटल हो जाए। हाँ? अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। ये क्या मजाक है, टायसन तुम्हें हो क्या गया है? तैयार बच्चे, तुम्हारे पास जितना जोर है सारा लगा दो। हाँ, और तुम हमारे बॉस नहीं हो टायसन, समझे? तुम्हें लगता कि तुम्हारे पास इतना पावर है कि तुम मुझे हरा सकोगे? हाँ कहे नहीं। ठीक है, इस बोर्ड को ही हम अपना असली बेस स्टेडियम मान लेते हैं। मंजूर। तुम जाओगे। ओए रे, देखो वहाँ बोट पर कुछ अजीब हो रहा है। हाँ? ओ नो, वो दोनों बे बैटल कर रहे हैं। क्या? उनका दिमाग तो ठीक है ना? हिलेरी संभाल के। फेंक देंगे। जरा कोशिश करके तो देखो बच्चे। गो स्ट्रेटा ड्रैगून। भाई मैंने तो ऐसा सुना है कि बाजुआ ने टापू को भूकंप का एक और झटका लगा, वरना हम भी खतरे में पड़ जाते। हम पहुंच गए। कुछ दिखा क्या? लगता थक गए हो दाइची। ना थकना ना रुकना, बस जीत का मजा चखना है। हमें मिल गया। सच सच बताओ दाइची, क्या तुम बिग बीस्ट को बुला रहे हो? बिग बीस्ट कीड़ा होता है। सारी रीडिंग्स पुलट पुलट हो रही है। जरूर बिग बीस्ट होगा। तुम्हारे बेब्लेड से ही कैसी रोशनी आ रही है? हमें कैसे पता होगा, हमने इसे सिर्फ एक बार देखा है। पर दाइची, चुप रहो। Yeah.
वो रहा, हम आ रहे हैं। हे, कौन हो तुम? अब तुम मेरे हो। तुम्हारी बारी के लिए रुको। अब तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। अच्छा, बोर्ड पर बिना इजाजत के आते हो और हमारे बे बैटल में टांग अटाते हो। तुम्हें मैनर्स सिखाने होंगे। चले जाओ। सुनहरे ड्रैगन को बाहर लाओ और स्ट्रेटा ड्रैगन को भी। ड्रैगन? ये लड़का कौन है? मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। जागो, बाहर आ जाओ। वो क्या है? टाइसन, हिलेरी, ये तुमने क्या किया? हम तुम्हें अभी सबक सिखाते हैं। सामने आओ स्ट्रेटा ड्रैगून। स्ट्रेटा ड्रैगून हो? आखिरकार आ गया। उसका साइज तो देखो जरा। ये तो एक बिट बेस्ट है। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या है? हमारे साथ ऐसा काहे कर रहे हो? क्या सुनहरा ड्रैगन हमारे कब्जे में है? कौन है तुम और तुमने हमारे स्ट्रेटा ड्रैगन के साथ क्या किया है, बताओ? हमारा काम खत्म, चलो चले। ओए रुको, दाईची को कहाँ ले जा रहे हो? यहाँ वापस आओ। मैंने कहा वापस आओ। बोर्ड से बाहर। दाईची, बोर्ड से कूद जाओ। वो काली एनर्जी बहुत ज्यादा बिट बीस्ट की तरह लगती थी, पर मेरे सारे रीडिंग्स नेगेटिव स्केल पर थे। ये परछाई को पढ़ने जैसा है। तो इसका मतलब वो बिट बीस्ट ही थे, है ना कैनी? मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। तो वो बिट बीस्ट नहीं है? मैं ये भी नहीं कह सकती। तो तुम क्या कह सकती हो? मेरे रीडिंग्स के हिसाब से ऐसा बिट बीस्ट हो सकता है जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। तो उन्हें बनने के लिए पावर चाहिए। बिल्कुल सही कहा। इसका क्या मतलब है? वो पहले जैसे थे, उनकी अब परछाइयां बन गए हैं। डार्क बिट बीस्ट की तरह। और जरा ये भी देख लो रे, ये डार्क एनर्जी ने छोड़ी हुई लहरें हैं। हाल ही में टापुओं पर जो भूकंप हुए उनकी लहरों से अगर इनकी तुलना करें तो देखो क्या होता है। सही मैच होती है। अब इसका क्या मतलब है? इसीलिए भूकंपों के केंद्र बिंदु नहीं थे, उन शैडो ब्लेडर्स ने वो भूकंप पैदा किए थे। ये तो बड़ा डरावना है। क्या पता कौन है वो? मुझे लगता है पता चल गया। ये देखो, वही है। उन्हें सिर्फ दाईची के बेब्लेड से सुनहरा बिट-बेस्ट स्ट्रेटा ड्रैगन चाहिए था, तो फिर वो दाईची को क्यों लेकर गए? तुम्हें कैसे पता कि वो क्या चाहते थे? उनमें से एक ने ऐसा कहा था। क्या सुनहरा ड्रैगन हमारे कब्जे में है? हाँ। ये देखो दोस्तों, जल्दी मैं सारे डिटेल्स बड़े करती हूँ ताकि तुम देख सको। वो कौन सा रत्न है? लगता है किसी तरह का सिंबल या कोई क्रेस्ट होगा। ओह, मैंने वो देखा है, वो डीमन रॉक आइलैंड के खंडहरों में से है। कहाँ से?
डीमन रॉक आइलैंड। मिस किंकेड, प्लीज हमें वहाँ फौरन ले जाइए, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। क्या तुम्हें वहाँ ले जाऊँ फौरन टाइसन? जल्दी चलो, हमारे पास वक्त नहीं है। रुको तो टाइसन, मैं क्या कहती हूँ सुनो। मैं भी आती हूँ। मेरे लिए रुको। प्रोफेसर टेंगाई, वो एलिमेंट्री स्कूल में मेरे टीचर थे हिलरी। वो हमेशा हमें डीमन रॉक आइलैंड के प्राचीन खंडहरों के बारे में बताते थे और हमेशा उस सिंबल की तस्वीरें दिखाते थे। टापुओं के रहवासी उसे रहस्यों का टापू कहते थे। प्रोफेसर ने हमें बताया कि डीमन रॉक आइलैंड के खंडहरों में एक काल्पनिक कहानी भी छुपी हुई है। धीरज रखो दाईची, तुम अकेले नहीं हो, तुम जहाँ कहीं भी हो हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। गया है, अब हमें अंधेरे में कैद नहीं रहना पड़ेगा। अब हम अपने असली रूप में आ सकते हैं, पहले से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। हमें कैद करने वालों से बदला लेकर दुनिया में तहलका मचाने का वक्त आ गया है। चलो जल्दी चलो। ये क्या हो रहा है? ये वही करवा रहे हैं ना? रीडिंग्स अब बिल्कुल वैसी ही आ रही है, पक्का वही है। स्ट्रेटा ड्रैगून, चुपचाप अपनी शक्ति हमें सौंप दो ताकि हम फिर से जाग उठें। चलो जल्दी करो। तुम फिर आ गए? दाईची के लिए आए हैं, उसे छोड़ दो। चले जाओ। ओए, तुम क्या कर रहे हो दाईची? तुमने क्या किया इसके साथ? वो हमारे कब्जे में है और अब तुम हमारे पुनर्जन्म के पल के गवाह बन सकते हो। बिल्कुल नहीं। अब दाईची, बीस्ट को छोड़ दो। रेड और ड्रैगन। कैसे हमारे असली रूप कैद तोड़कर अंधेरे से लौट आए हैं। से एक का अवतार हो, ये इतना आसान बनाने के लिए थैंक्स। आसान? हाँ, अब हम तुम्हें और तुम्हारे ड्रैगन को अपनी जगह कैद करेंगे। कैद करोगे?
हाँ, अब तुम्हें पता चलेगा कि पत्थर के कैद खाने में हमेशा के अंधेरे में अकेले कैसा लगता है। ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज, बस अकेलापन। भूल जाओ, मेरा ड्रैगन मेरी हर मुश्किल में हिफाजत करेगा। जाओ ड्रैगन। अरे बाबू, ये खंडर गिर रहा है, यहाँ से बाहर निकलो। बच्चों, तुम सब कहाँ हो? जल्दी से बाहर निकलो। प्रोफेसर टेंगाई, आप ठीक हो? यहाँ से आइए। सब बाहर निकलो। टाइसन, टाइसन, हमें निकलना होगा अभी। नहीं, मैं ड्रैगन के बगैर नहीं जा सकता। वो बेचारा एक चट्टान के पीछे फंसा हुआ है। ड्रैगन इस प्राचीन कैद खाने में कैद हो गया है और उसे छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं है। टाइसन का क्या? कोई तो रास्ता होगा। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है, मेरे पास इस कैद खाने का तोड़ नहीं है। टाइसन भी वहाँ फंस गया है, उसकी मदद करने की ताकत हम में नहीं, उसका बचना नामुमकिन है। ओ बेचारा टाइसन। ड्रैगन, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती की वजह से हम फंस गए हैं। आई एम सॉरी। हमें किसी बात का डर नहीं, सारी दुनिया हमारी है। समुंदर को उठने भागो, जाओ, जाओ। सिर्फ एक बीस्ट ही ये कर सकता है। ड्रैगन, तुम्हें याद है हमने मिलकर कितने बे बैटल्स लड़े? मुझे हर एक याद है। जो लड़ाइयां हमने अच्छी लड़ी, हर एक जीत, वो भी जहां हम बुरी तरह से हारे। कई बार मैं बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि तुम मेरे बुलाने पर भी उस वक्त बाहर नहीं आए, पर जब भी मुझे जरूरत पड़ी तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं हमेशा से जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम एक साथ हासिल नहीं कर सकते। हम सिर्फ कई ज्यादा बुरे झंझटों में से, झमेलों में से सही सलामत बाहर निकले हैं। फिक्र मत करो ड्रैगन, इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम अकेले नहीं हो जब तक मैं जिंदा हूं। जब हालात बहुत बुरे थे तब भी मैं हमेशा चलता रहा क्योंकि मेरे साथ तुम थे। ड्रैगन, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। ड्रैगन, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हम दोनों को छुड़ाऊंगा।
ड्रैगन, मुझे माफ कर दो, कोई फायदा नहीं, मैं नहीं कर सकता। I'm sorry, ड्रैगन, मैं हार गया। हार मत मानो, हार मत मानो टाइसन। ड्रैगन, क्या अभी अभी तुम ही मुझसे बात कर रहे थे? ड्रैगन, कंट्रोल करता है। अच्छा तो तुम हो, तुम्हें पता नहीं तुम किससे मुकाबला कर रहे हो। जो हमें रोकने की कोशिश करेगा उसे हम बर्बाद कर देंगे। दिखा दे जलवा। तुम भी उन चार बिट बीस्ट में से एक को कंट्रोल करते हो। क्या काम से? जैसे ड्रैगून को किया वैसे तुम्हें भी कैद करेंगे। तुम लोग ने ड्रैगून को कैद किया? रोल सर, मिटा दो उसे। रोल सर भागो। उसे अकेला छोड़ दो। टाइसन, कैसे हो गायब? टाइसन, जिंदा कैसे बच गया? ये नामुमकिन है। तुमने कैद तोड़ी? हाँ, वो तो बहुत आसान था। अब वक्त आ गया है डरपोको, तुम अपनी असलियत हमारे सामने लाओ। हाँ, या फिर तुम डरते हो? ये गंदी चाल चलने बगैर तुम जीत नहीं सकते। चलो ठीक है, वक्त आ गया है, अब हमें अपनी असलियत अपने शत्रुओं के सामने खोल देनी चाहिए। अब मैं बुलाता हूँ डार्क ड्रेसिल को। ड्रैगन और ड्रैगन के जैसे ही है। हाँ बिल्कुल एक जैसे। जागो डॉग ड्रैगन। नहीं,
डार्क ड्रैगन, उनके बिट बीस्ट तो बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। ना समझ लड़के, देखो हम भी बिल्कुल तुम्हारे तरह हैं। तुम्हारे बेब्लेड्स में जो कैद हैं, वही पवित्र आत्माएं हैं हम। वही? ये सच नहीं हो सकता। एक अरसा पहले हम एक जैसे ही थे, एक साथ दोनों अच्छे और बुरे, रोशनी और अंधेरा, और इकट्ठे हम इंसानों की हिफाजत करते थे। पर इंसानों को संघर्ष और बर्बादी के कुदरती बहाव से डर लगने लगा, इसलिए उन्होंने चार पवित्र आत्माओं की आधी रोशनी से समझौता कर लिया और खुद के अंधेरे हिस्सों को ठंडे सख्त जमीन में कैद कर दिया। हमेशा से अपने दूसरे हिस्से के लिए सिर्फ नफरत पाली, बदले की भावना से जले, और आखिर वो दिन आ गया जब कैद से आजाद हुए। भागो बच्चों! पर हमारा पुनर्जीवन अधूरा है, हम सिर्फ शक्ति के साये हैं। हमारे असली रूप पत्थरों में अभी भी कैद है। हमारे शरीर वापस लाने के लिए हमें सुनहरे ड्रैगन की महान शक्ति की जरूरत है। स्ट्रेटा ड्रैगन की शक्ति, दाईजी जगाओ उस स्ट्रेटा ड्रैगन को। जागो स्ट्रेटा ड्रैगन। ये गलत है, ये अनहोनी है। हमारे बिट भी सच्चे हैं, तुम बिल्कुल उनके जैसे नहीं हो। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। ना समझ लड़के, तुम्हें अंधेरे के बारे में कुछ भी नहीं पता। हजारों सालों की नफरत और गुस्सा क्या होता है, ये बताने का वक्त अब आ गया है। अब बहुत हो गया नाटक। ड्रैगन ट्रिगर तैयार, ड्रेसिंग चक्कर से टक्कर। ये है असली बिग बीस्ट, दे दो झटका। नहीं, ये क्या, ये क्या हो क्या रहा है? डार्क साइड के पास वही बिग बीस्ट है और स्ट्रेटा ड्रैगन भी, वो हमसे ज्यादा है। क्या ये वही पवित्र आत्माएं हैं जिन्होंने हजारों सालों तक पृथ्वी पर राज किया? तुम कमजोर हो गए हो। कमजोर? तुम्हें क्या लगा ऐसा बचकाना हमला करके तुम हमें हरा सकते हो? हमारे डार्क बिट बीस्ट को कोई नहीं रोक सकता। दिखा दो जलवा ड्रोन सर। दोस्तों रुको। लड़ना चाहते हो? तुम आखिर में हारने वाले हो। नहीं, हम तुम्हें हार का असली मतलब दिखाते हैं। ताईची स्ट्रेटा ड्रैगन। शाबाश स्ट्रेटा ड्रैगन, ड्रैगन को खत्म करो। ताईची जागो, जागो ताईची। का? तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूँ? मैं टाइसन। तुम मुझे हराना चाहते थे ना, अपने पापा की याद में तुमने पापा को प्रॉमिस किया था। हमारे पापा और टाइसन? क्या तुम्हें याद नहीं दाईची, तुम्हें भूकंप ने जीतने से रोका था। जीतने से? स्ट्रेटा ड्रैगन की रफ्तार धीमी हो रही है। लड़ते रहो अपने आप से दाईची। संभालो, स्ट्रेटा ड्रैगन कंट्रोल के बाहर हो रहा है। तुम जीत सकते हो दाईची। दाई
ताईजी, तुम ठीक तो हो? उठो ताईजी। टाइसन, ईद तुम होगा, हम लगता है जादू का असर हट गया, हमने उसे खो दिया। कोई बात नहीं, अब हमारे असली रूप हमें मिल गए हैं तो हमें डाइची की जरूरत नहीं। तो ऐसे हो तुम लोग, तुमने डाइची का इस्तेमाल किया और काम हो जाने के बाद उसे छोड़ दिया, मतलब ही? सही कहा, कोई भी बेबलेडर बिट बीस्ट का सिर्फ एक हिस्सा होता है। गलत है, बिट बीस्ट और बेबलेडर दोनों समान है। ड्रैगन और मैं एक दूसरे को भाइयों की तरह समझते हैं। जितने ड्रैगन और मैं नजदीक आते हैं उतने ही हम ताकतवर हो जाते हैं। इसी तरह हमने उस कैद को तोड़ा एक साथ मिलकर। ऐसा है क्या? तो फिर हमारा बदला बांट लो। जाओ डार्क ड्रैगन, हमला। हम भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे टाइसन। स्ट्रेटा ड्रैगन, मारो स्ट्रेटा ड्रैगन। इकाका हुआ, अरे यार, स्ट्रेटा ड्रैगन घुमा के रख दे। दाईची, उसे जल्दी बाहर निकालो। समझ नहीं आ रहा, वो बाहर नहीं आ रहा है। पर क्यों नहीं आ रहा? हमें क्या पता, पहले तो बाहर आया था। टाइसन, हम इसे बाहर कैसे ले आए बताओ? मैं भी थोड़ा बिजी हूँ दाईची। कमॉन ड्रैगन, अपनी इज्जत का सवाल है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि सिर्फ ड्रैगन के पावर से तुम डार्क ड्रैगन और डार्क ट्रिगर को हरा सकते हो? सिर्फ लगता नहीं, पक्का है। पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। ड्रैगन और मैं एक है। अब्बास ड्रैगन, तुमने बहुत सख्त और लंबी लड़ाई लड़ी, तुम अपने डार्क हिस्से से जुड़ क्यों नहीं जाते? हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, हमें एक होकर दुनिया पर राज करना है। हम दोनों की ताकत मिलाकर हम इस दुनिया को नए सिरे से दोबारा बनाएंगे। तुम मेरे बगैर कभी भी पूरे नहीं हो सकते, मेरे साथ आओ। अपनी बकवास बंद करो। तुम तो बस ड्रैगन की बुरी नकल हो और कुछ नहीं। और वैसे भी तुम्हें बहुत देर हो चुकी है, हम तो कब के एक हो चुके हैं, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अच्छा ऐसा है तो एक साथ भुगतो मैदान में। हमारी समझ में नहीं आ रहा, टाइसन की तरह हम अपना बिट बीस्ट बाहर कहे नहीं ला सकते। रिलैक्स, स्ट्रेटा ड्रैगन से अपना दिमाग जोड़ो और तुम्हारा काम हो जाएगा। दिमाग को जोड़ू, पर कैसे? उससे बातें करो, स्ट्रेटा ड्रैगन तुम्हें सुन लेगा। तुम उसे सुनते हुए महसूस कर सकते हो। हम उसे सुनते हुए महसूस कर सकते हैं? क्या तुम हमें सुन सकते हो स्ट्रेटा ड्रैगन? हमारे पापा ने कहा था कि तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। अगर तुम सुन सकते हो तो प्लीज जवाब दो, प्लीज प्लीज। हम महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेटा ड्रैगन घुमा के रख दो। हाँ ऐसे ही, शाबाश दाईची। हमने कर दिखाया। हाँ तुम कामयाब हुए दाईची। स्ट्रेटा ड्रैगन, अब तुम्हारा भी हाल ड्रैगन जैसा ही होगा। क्या तुम मेरे साथ हो दाईची? हाँ। वाह। पीछे मत हटना। ये तो मेरी चाल है मैक्स। डर गए टाइसन? अगर तुम अभी भाग गए तो बच सकते हो। मैं और भागू? नामुमकिन। क्या? यहाँ वापस आओ। वो तो गायब हो गया। कहाँ गया? तुम्हारे नीचे।
हम ठीक है। टाइसन, दाइची, सामने देखो। दाइची, पहले तुम जाओ। तुम तैयार हो दाइची? हाँ। Oh no! सब कुछ खत्म करने का वक्त आ गया है। अच्छा, कोशिश करके देख लो। लड़ाई खत्म हुई? हाँ, हम जीत गए। हमने उन्हें रोका। दोस्तों, हमने दुनिया को बचाया। हाँ, वो सही कह रही है। हमने उन्हें हराया। हम हीरो हैं। सुपर हीरो। याहू! स्ट्रेटा ड्रैगून की तस्वीर। ताईची। बच्चो, मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो? बच्चो, प्रोफेसर टेंगाई, डैनियल, तुम ठीक हो? हम कितना डर गए थे मिस इंगेट। शांत हो जाओ बच्चों, अब तुम ठीक हो। करो बच्चे, जो हुआ है बुरा सपना समझ कर भूल जाओ, सब ठीक हो जाए। अब हम उन चार डार्क बिट बीस्ट्स को कैद कर देंगे। क्या उनको सचमुच हमेशा के लिए कैद कर दिया प्रोफेसर तेंगाई? हाँ, वो यहाँ से कभी भी छूट नहीं सकते टाइसन, जब तक कोई बेवकूफ आदमी सील नहीं तोड़ देता। भला तो सब भला, सब कुछ आखिर में अच्छा ही हुआ, पर वो काली आत्माएं, अजीब लगता है कि वो अपने ही बिग बिस्ट का एक हिस्सा है। अहोय! हाँ? जायसे! दाइची? हाँ?
अरे माँ तुम दाइची को ना बोलना कितना मुश्किल है स्वीटी, इसने टाइसन से मिलने की जिद की तो मैं इसे ले आई। हाँ, हमने अभी तक अपना बे बैटल भी खत्म नहीं किया है। हाँ, तो चलो तैयार हो जाओ टाइसन। तुम अभी तक वहीं पर अटके हो। अब भागो, ये कोई जगह ना बची है। नहीं नहीं नहीं, मिस किंगहेड मुझे से बचाओ, बोट शुरू करो जल्दी। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं टाइसन। रुको, रुक जाओ। कहाँ तक? ओए दाईजी, तुम्हें तो तैरना नहीं आता ना? हाँ सही कहा, हमें तो तैरना ही नहीं आता। बचाओ, अरे कोई बचाओ, बचाओ। पकड़ो, बचाओ, बचाओ, हमें बचाओ। राजी चलो एक गॉड बेबी हो जाए।